गुड मॉर्निंग। पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। क्लास फिफ्थ, आप अपने हिंदी की बुक निकालें, पेज नंबर 11। पिछली बार हमने वीडियो में पार्ट 3 कुछ पढ़ा था, उसके आगे ही हम पढ़ेंगे। पार्ट 3, अपनी वस्तु। दो भाई होते हैं जो एक भूमि के लिए यानी एक जमीन के टुकड़े के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। उस वक्त महात्मा जी आते हैं और उन दोनों को समझाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसके आगे आप देखें। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह अवश्य बोलती हैं, परंतु इसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते हैं, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या तुम दोनों को मान्य होगा? महात्मा जी क्या बोल रहे हैं, तुम दोनों झगड़ा मत करो, हम ये भूमि से ही पूछ लेते हैं कि भूमि किसको मालिक बनाना चाहती है। तो भाई बोलते हैं कि भाई भूमि भी कभी बोलती है? तो महात्मा जी बोलते हैं कि उनकी आवाज सिर्फ मुझे सुनाई देती है, और अगर भूमि ने जो निर्णय लिया वो आप दोनों को क्या मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रहा है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए, अपने अपने घर से भोजन बनाकर लाए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल ये था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनती की कि महाराज, ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दें। जब इंसान को गुस्सा आता है, मनुष्य को गुस्सा आता है, तब उसके बराबर नहीं बोलना चाहिए, उसके शांत रहने का समय देखना चाहिए। उसी तरह महाराज ने भी यही किया। दोनों को बोला कि खाना बना के लाओ, खाना खाते हैं। तीनों ने खाना खाया, दोनों का गुस्सा शांत हो गया। फिर महाराज से प्रणाम करके बोलते हैं कि आप ही बताएं हम क्या करें। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई महाराज, महाराज ने भूमि पर कान लगाया और सुनने की कोशिश की। उसके बाद महाराज ने क्या बोला कि ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, ये भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों मेरे अवश्य मेरे हैं, मैं इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। ये शब्द महाराज के हैं। क्या बोल रहे हैं महाराज? कि भूमि तो ये बोल रही है कि मैं इन दोनों की नहीं हूँ और मैंने इनकी पीढ़ियों को पाला पोसा है, ये व्यर्थ ही बोल रहे हैं कि मैं इनकी हूँ। महाराज की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए, महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की रही है, तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, ये नहीं सोचता है कि इसमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खालिया संसार में आए थे, वैसे ही खालिया थे संसार से चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि तुम दोनों धरती के लिए लड़ रहे हो और तुम दोनों चले जाओगे, धरती तो यहाँ की यही रहेगी। महाराज उनको समझाते हैं, तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? यह भूमि न तुम्हारी है न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही
क्या संसार के जितने पदार्थ हैं, धन संपत्ति हैं, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। जो लोग परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यही रह जाएगा। अतएव, अतएव का अर्थ होता है इसलिए। आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमेरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक समर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय का भजन भक्ति में लगाते हुए जन्म सफल करने लगे। आप सभी बच्चे, आपका होमवर्क है कि ये शब्दार्थ इस चैप्टर के करेंगे और इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। थैंक यू।